हेलो स्टूडेंट्स, क्लास एलकेजी में आपको सब्जेक्ट इंग्लिश में बेटा, सब्जेक्ट इंग्लिश में अल्फाबेट राइटिंग में कैपिटल एंड स्मॉल लेटर में आपको पेज नंबर 34 और 35 में आपको ये वीडियो मिलेगा। इसके पहले आपको जो वीडियो जा चुके हैं होमवर्क कंप्लीट करने के बाद आज आप क्या करेंगे, आंसर नेक्स्ट। आपको पता है ना ये होता है आंसर नेक्स्ट। तो अब आप इस पेज में देखना, आपको मीनिंग्स भी मिलेगी इसके साथ साथ। तो 1 2 3 4 इस तरह आपका बॉक्स होगा ना। तो इन फोर लाइन में आपको ये तो पता है कि आज आप क्या करेंगे, कैपिटल लेटर। इसमें आप क्या करेंगे, कैपिटल लेटर। ये दिखा ट्रेस एंड राइट द कैपिटल लेटर एन, द कैपिटल लेटर एन। तो सबसे पहले आप इसमें देखना होगा, देखना इसमें कुछ स्टेप बने हुए हैं जो इनको फॉलो करना है आपको। तो आप इनको पहले फर्स्ट लाइन तो इसको कंप्लीट करोगे, सिर्फ में सेकंड लाइन है थर्ड लाइन को कंप्लीट कर दोगे। तो इस स्टेप को फॉलो करने से आप यहाँ पर एन फॉर्मेशन बनाने लगेंगे। तो अब आप सबसे पहले इसमें देखना, ये आपको बहुत पहले मैंने बता दिया था कि कैपिटल लेटर में क्या होता है कि सारे अक्षर फोर लाइन में ही बनते, थ्री लाइन में ही बनते हैं, ठीक है ना। फोर लाइन में कोई भी अक्षर कोई भी वर्ड नहीं बनता है। तो ये मैंने लिख दिया एन, तो ये एन तुम्हारा क्या हो गया, कैपिटल लेटर। क्या हो गया, कैपिटल लेटर मतलब बड़ी वाली एबीसीडी। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा कैपिटल लेटर। तो इस कैपिटल लेटर को ये देखो स्टेप बने हुए हैं, इन स्टेप को आप फॉलो करोगे ना। सबसे पहले वन लाइन, फिर इसमें सेकंड टू लाइन, फिर इसमें थर्ड लाइन, सारे कंप्लीट हो गया। तो इसको आप दो तरीके से भी बना सकते हो, टू लाइन ऐसे कर लो, यहाँ पॉइंट लगा कर इसमें मिला दो, ये हो गया एन फोर नेक्स्ट भी होता है और एन फोर नर्स भी होता है और एन फोर निथ भी होता है। ओके, एन फोर नेक्स्ट, एन फोर नर्स और एन फोर नर्स। देखो एन यू आर एस ई, ये क्या हो गया नर्स, और एन आई बी, ये क्या हुआ निम। तो अब आपको क्या करना है, एन फॉर नेस्ट, एन फॉर निम, एन फॉर नर्स, इस कैपिटल लेटर में आपको ये कंप्लीट करना है। ओके, अब आपको इसी के साथ साथ अब हम आपको स्मॉल लेटर में बताएंगे, ठीक है ना। पेज नंबर 35 में, पेज नंबर 35 में ये देखो, पेज नंबर 35 में अब ये क्या होगा, स्मॉल लेटर मतलब छोटी वाली एबीसीडी। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, एक तो नोज बनी हुई है और एक बना हुआ है नेट, ठीक है ना, जिसमें हम लोग बॉल डालते हैं ना, खेलते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें भी फोर लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 ये हो गया आपका। अब इसको हम क्या करेंगे, इस स्मॉल लेटर में हम कैसे करेंगे कि ऊपर और नीचे वाली लाइन में एन फोर नेक्स्ट नहीं रहेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये पॉइंट रखा हुआ है, तो इस पॉइंट से डायरेक्ट नीचे आएंगे, थोड़ा सा इधर लाइन खींचेंगे, फिर इसी में रिटर्न हो जाएंगे, इसी में वापस हो जाएंगे, फिर थोड़ी सी लाइन खींच करके इधर आ जाएंगे। ये पॉइंट लगा हुआ है, इसको ऐसे करो और इसको रिटर्न होकर के इसमें ऐसे कर दो। तो ये क्या हो गया आपका स्मॉल लेटर, क्या हो गया स्मॉल लेटर। ओके, तो अब आपको पता हो गया कि स्मॉल लेटर कैसे बनाएंगे। इसमें भी कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, अब आप लोगों को इस स्टेप्स को कैसे फॉलो
डॉट कर दिया गया है, ठीक है ना। ये वन लाइन है, इसी में डॉट कर दिया गया। और थर्ड लाइन में आपको क्या करना है, इसके ऊपर पेंसिल चला देना, ठीक है ना। तो जब इसके ऊपर आप पेंसिल चला देंगे ना, तो ये हो गया एम फॉर नोज और एम फॉर नेट। नोज की स्पेलिंग क्या है, एन ओ